बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, रोहतास। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, यानी पूर्णिया और रोहतास में चल रहा है जंग। रोहतास टॉप पे, पूर्णिया नीचे। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, महिला साक्षरता रोहतास, पुरुष और महिला दोनों के लिए। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। सर्वाधिक जनसंख्या के सही क्रम बताएं, सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उसके बाद इसमें सी आंसर है, यानी 1423। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना का, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मधुबनी, फिर गया। ध्यान रहे, जनसंख्या सबसे ज्यादा हमेशा राजधानी में होता है, पटना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गया। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, बहुत मशहूर है ये। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार जिले के सही क्रम बताएं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि शिवहर की है, 2413, सबसे ज्यादा शिवहर की है, बाद पटना, दरभंगा, वैशाली, शिवहर तब पटना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित राशि के खर्च का अनुपात ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में कितना निर्धारित किया गया? 85% तथा 15%, ग्रामीण में 85 और शहरी में 15। बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? 1951 से 56, सेम रहेगी जो भारत की है। नेक्स्ट, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? ये जानते, बहुत मशहूर है ये, काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। और बरौनी किसके सहयोग से बना, ये भी आपको आता है इसमें है। पूरे सेट को आप कम से कम, मैं टारगेट दे रहा हूँ, 100 बार आप प्रैक्टिस करें, काफ़ी क्वेश्चन इससे आएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? 1971। बिहार में ग्रामीण रोजगार पुरजोर कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया? 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। सही उत्तर है 5वीं में रोजगार उन्मूलन चलाया गया था। किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुभारंभ किया गया? इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। 9वीं, 10वीं, 11वीं उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में कृषि की वार्षिक विकास दर कितनी निर्धारित की गई? सही उत्तर है 5.7%। कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? बहुत महत्वपूर्ण है कोसी। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, भारत सरकार, कोई नहीं, सोचिए। सही उत्तर है विश्व बैंक। वर्ष 2011-12 से प्रभावी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना 2012-13 में कितना व्यय प्रस्तावित है? ये चूंकि पुराना है 5 करोड़, तो नए में आप देखिएगा, नए करंट में बताया जाएगा आपको, करंट की सीरीज में। बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? 1,00,000 रुपया। निम्न में सही कथन का चुनाव कीजिए, और इसको डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते, दोनों कथन सही है। इंग्लिश फॉर फन योजना अंग्रेजी भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए प्रारंभ की गई, इंग्लिश फॉर फन योजना। यूएसए नामक संस्था तकनीकी उपकरणों को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है, दोनों सही है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं,
मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना 2011। सरकार आपके द्वार योजना शुभारंभ कब हुआ? बहुत बेहतरीन है ये, 2004, 2006, 2008, 2011। सोचिए, सरकार आपके द्वार, बेहतरीन है, नाम खूबसूरत है। सही उत्तर है बी, 2006 में। भारत ने